हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंजक्शन। इंग्लिश का टॉपिक है, बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया कंजक्शंस। ध्यान से देखना है, परीक्षा में 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है, जिसमें दो सेंटेंस क्या होता है कंजक्शन, दो सेंटेंस दे दिए जाते हैं, उन दोनों सेंटेंस को मिला करके एक करना पड़ता है। कंजक्शन का मतलब संयोजक, यानी इस तरीके के शब्द जो दो वाक्यों को आपस में मिला करके एक सेंटेंस क्रिएट कर दें, एक बना दें। अब जैसे मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं कि इंग्लिश में मुख्य रूप से जो कंजक्शंस काम में लिए जाते हैं वो है, जैसे एक तो है बोथ एंड, दोनों ओर, इन दी अर्थ साथ में देखते नहीं, एक है नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, न केवल परंतु भी, और एक विशेष रूप से कंपटीशन में भी ये इस तरीके का एक या दो क्वेश्चन आते हैं जिसमें ये कॉम्बिनेशन होता है, नॉट ओनली के साथ हमेशा बट आल्सो का ही प्रयोग होता है, बोथ के साथ हमेशा एंड का ही प्रयोग होता है। एक है सो दैट, एक है थ्रू टू, एक है आइदर और। स्पेस जो मुख्य मुख्य हैं मैं सिर्फ वही बता रहा हूं आपको, नाइदर नोर, ना तो ना, आइदर और, या तो या, टू टू, एक सो दैट, और आगे है एक है जैसे आल्दो येट, या फिर दो येट भी बोलते हैं इसको, दोनों में से एक भी आ जाता है कई बार। एक है वायल, एक है एज वेल एज। चलो मैं इतना ही बताता हूं आपको, एज वेल एज होने को तो 5-7 और भी हैं कंजक्शन तो, लेकिन चलो अपने एक बार इतना को ही करते हैं। जैसे ये तो ध्यान में रखना ही है आपको, अगर फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए तो ये कॉम्बिनेशन ध्यान में रखना है कि बोथ के साथ एंड का कॉम्बिनेशन होगा, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का कॉम्बिनेशन है, शो के साथ दैट का, टू के साथ टू का, आइदर के साथ और का, नाइदर के साथ नोर का, आल्दो के साथ येट का, या दो भी हो सकता है यहाँ पे, एक वाइल सिंगुलर है, सिंगल है, सिंगल वर्ड है, एज वेल एज, या नो है। मैं एक एक टॉपिक को, एक एक कंजक्शन को आपको एक एक बता रहा हूं एग्जांपल के माध्यम से। जैसे बोथ एंड, राम इज ए डॉक्टर, हिज ब्रदर इज ए डॉक्टर। ध्यान से देखना है सेंटेंस को, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस, कोशिश की है मैंने कि कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो बच्चों के कंफ्यूजन को दूर कर सके, ऐसे सेंटेंसेस बताऊं आपको। राम इज ए डॉक्टर, हिज ब्रदर इज ए डॉक्टर, राम एक डॉक्टर है, उसका भाई एक डॉक्टर है। अब जब दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं तो दोनों में देखिए सिंगुलर वर्ब लगी हुई है, राम के साथ इज है, हिज ब्रदर के साथ इज है, बोथ एंड से अथवा एंड से, जरूरी नहीं है कि बोथ एंड ही हो, एंड से भी अगर सेंटेंस को कंजक्ट करना हो, आपस में संयोजित करना हो, जोड़ना हो, तो ध्यान रखें एंड से भी जोड़ सकते हैं। बोथ शब्द जो है जिसका अर्थ है दोनों, उसमें भी बोथ और एंड में भी, जो नियम एंड का है वही बोथ एंड का है, और नियम यह कहता है कि अगर आप दो सब्जेक्ट्स को बोथ एंड से या एंड से आपस में जोड़ते हो तो वर्ब जो है वो प्लूरल बन जाती है। क्यों बन जाती है, देखिए ध्यान से आप, बोथ, सबसे पहले तो देखिए आपको जोड़ना कैसे है, दोनों सेंटेंस में एस मान डिफरेंट चीज क्या है, इसमें राम है और इसमें हिज ब्रदर है, बाकी सेंटेंस सेम है, जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो एकदम सेम है, जैसे इज ए डॉक्टर, इज ए डॉक्टर। अब आपको इतना ध्यान में रखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट डिफरेंट हैं, यानी शुरुआत की चीजें अगर एस मान है तो आप शुरुआत के पार्ट को डिलीट कर दें, पूरा बाकी पूरा सेंटेंस आपको लिखना है। जैसे बोथ राम, असमान चीजों में से एक के आगे बोथ लगा दिया, दूसरे के आगे एंड लगा दो, बोथ राम एंड हिज ब्रदर, हिज ब्रदर। अब यहां पर अगर मैं इज लगाऊं
तो वो हमारी गलती ये होगी, क्योंकि यहां पर दो सब्जेक्ट मिलकर के एक बन जाते हैं, एंड से एक सब्जेक्ट नहीं दोनों सब्जेक्ट जुड़ गए हैं, इसलिए यहां पर हम आर का प्रयोग करेंगे। आर, और यहां पर जो एडजेक्टिव दिया हुआ है इनका, वैसे नाउन है ये नाउन जो है वो भी प्लुरल में हो जाएगी। बोथ राम एंड हिज ब्रदर्स आर ब्रदर आर डॉक्टर्स। दूसरा सेंटेंस देखिए, अगर दोनों का ऑब्जेक्ट असमान हो तो किस तरीके से करें। आई हैव ए कार, आई हैव ए मोटरसाइकिल। दो चीज असमान देखिए क्या है, आई हैव ए कार और ए मोटरसाइकिल, डिफरेंट यहां है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, लेकिन लास्ट पार्ट इसका असमान है तो लास्ट वाली चीजें तो हम रखेंगे इस, जिसमें एक के आगे बोथ लगा देंगे, दूसरी के आगे एंड लगा देंगे। समान चीजों में से इस चीज को हम यहां से डिलीट कर देंगे और सीधा क्या लिख देंगे, आई हैव बोथ ए कार एंड ए मोटरसाइकिल, मेरे पास दोनों है। आई हैव बोथ ए कार एंड ए मोटरसाइकिल, क्लियर है बात। चलो दूसरा, नॉट ओनली बट ऑल्सो का एक सेंटेंस बता देता हूं मैं, एक ही सेंटेंस बता पाऊंगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो, स्नेहा स्नेहा इज ए सोशल वर्कर, स्नेहा इज ए सोशल वर्कर, शी इज ए काइंड लेडी, शी इज ए काइंड लेडी। चलो ये वाक्य मैं इस तरीके से बता देता हूं, स्नेहा इज ए सोशल वर्कर, स्नेहा एक सामाजिक कार्यकर्ता है, शी इज ए काइंड लेडी, वो एक दयालु महिला है। नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ेंगे तो देखिए असमान चीज क्या है, सोशल वर्कर और काइंड लेडी, ए काइंड लेडी, तो इसके आगे आप नॉट ओनली लगा दें, नॉट ओनली लगा दें और इसके आगे बट आल्सो लगा दें। ये देखिए ए जो है वो आर्टिकल है सोशल वर्कर का, यहाँ ए जो है वो आर्टिकल है काइंड लेडी का, तो कैसे लिखेंगे हम, स्नेहा इज नॉट ओनली ए सोशल वर्कर बट आल्सो ए काइंड लेडी, समझ में आई है बात। और अगर यहां पर सेंटेंस में सब्जेक्ट असमान होता, मैं ऐसे लिख देता, स्नेहा इज ए सोशल वर्कर, हर फ्रेंड इज ए सोशल वर्कर, स्नेहा इज ए सोशल वर्कर, हर फ्रेंड इज ए सोशल वर्कर, तो हम क्या कर देते हैं, नॉट ओनली स्नेहा बट आल्सो हर फ्रेंड फ्रेंड इज ए सोशल वर्कर, सोशल वर्कर। ध्यान देना मैंने इसी सेंटेंस को दोबारा से बताने की कोशिश की है, यहां पर शी इज ए लेडी के स्थान पे हर फ्रेंड इज ए सोशल वर्कर, इस तरीके से यूज करेंगे तो इसी सेंटेंस को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं अगर सब्जेक्ट असमान हो तो। इस सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट समान है, स्नेहा है, यहां सी है, यहां स्नेहा नाउन के रूप में है, यहां सी प्रोनाउन के रूप में है, तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, कर सकते हैं हम। चलो अगला बता दें, सो दैट, चलो ठीक है, सो दैट का प्रयोग देखें, चलो सो दैट का और टू टू का उपयोग एक साथ ही बता रहा हूं, थोड़ा सा गौर से देखना है। तीसरा कंजेक्शन है सो दैट द वाटर इज वेरी कोल्ड,
वी कैन नॉट वॉक। सबसे पहले देखिए इस सेंटेंस को आप सो दैट से जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? साधारण सी बात है, सो दैट से जोड़ने वाले सेंटेंस में वेरी जरूर मिलेगा आपको, उस वेरी के स्थान पर आपको सो बैठाना है। तो सबसे पहले तो देखिए इस तरीके से लिखिए, द वाटर इज सो कोल्ड, पानी इतना ठंडा है। सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेशन देखिए, द वाटर इज वेरी कोल्ड, पानी बहुत ठंडा है, वी कैन नॉट वॉक, हम नहा नहीं सकते। तो क्या करें, द वाटर इज सो कोल्ड, पानी इतना ठंडा है कि दैट वी कैन नॉट, यहां पर आपको दैट लगाना है, यहां पर आपको सो लगाना है, कोई डिफिकल्टी है ही नहीं। वी कैन नॉट वॉक, हम नहा नहीं सकते। अगर इसी सेंटेंस को टू टू से जोड़ना हो तो आपको कैसे जोड़ना है? कंप्लीट नहीं है, चलो इसको टू टू से जोड़ेंगे तो आपको वेरी के स्थान पे टू लगाना है, जैसे हमने सो का यूज किया था उसी तरीके से वेरी के स्थान पे किसका प्रयोग कर लें, टू का प्रयोग कर लें। तो कैसे लिखेंगे, द वाटर इज टू कोल्ड, पानी इतना ठंडा है कि। अब देखिए यहां पर आप लोगों को एक विशेष चीज का ध्यान रखना है, जो प्रोनाउन यहाँ पे दिया है उस प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में अपने को यूज करना है। कैसे, क्या लिखें यहाँ पे, फॉर और इसका प्रोनाउन थर्ड फॉर, फॉर अस। अब आगे इस कैन नोट को काट दो और इसके स्थान पे टू बैठा दो, टू बात कंप्लीट है क्या, बात समझ में आई है क्या? द वाटर इज, इसके बेस पे भी कर सकते थे हम इस, नहीं तो मैंने तो इससे इसके आधार पर बताया है, द वाटर इज वेरी कोल्ड, वेरी के स्थान पर हमने टू का प्रयोग किया है। और यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कई बार, वी को हमने फोर एस के रूप में कन्वर्ट किया है। जैसे एक सेंटेंस और बताता हूँ आपको, एक सेंटेंस और लें, तीन नंबर और चार नंबर दोनों का एक साथ ही बता देता हूँ। देन बॉक्स इज वेरी हैवी, I cannot lift. I cannot lift it. संदूक बहुत भारी है, मैं इसे उठा नहीं सकता। कैसे लिखें इसको, The box is very heavy. Very के स्थान पर आपको टू लगाना है, या सो दैट से जोड़े तो वेरी के स्थान पर आपको शो लगाना है और यहां पर दैट लगाना है। बस सो दैट वाले में तो किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी नहीं है, वेरी के स्थान पर आप शो लगा दें और यहां पर दोनों जहां फुल स्टॉप लगा हुआ है और दो सेंटेंस अप्स में जहां जुड़ रहे हैं, जुड़ने चाहिए, वहां पर आप दैट लगा दें। इसमें तो किसी प्रकार की डिफिकल्टी मैं सोचता हूं कि नहीं होनी चाहिए। और इट को काट देना है। दूसरा, अगर टू टू से जोड़े तो देखिए इस वेरी के स्थान पर आपको टू लगाना है, यहां पर आपको आई जो प्रोनाउन है उस प्रोनाउन की तीसरी फॉर्म फॉर मी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगानी है उसकी। तो क्या लिखेंगे हम, द बॉक्स इज, बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी, आई का किस रूप में लेना है, फॉर मी, कैन नॉट को काट देना है और उसके स्थान पे टू लगाना है, टू लिफ्ट। चलो इट को काट, द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। आगे चलो दो और बताता हूं, ये याद रखना है, दो सेंटेंस और लीजिए। हाँ पांचवा, आइदर और पांचवा कंजक्शन है, द सर्वेंट कुक फूड, ही कुक्स फूड, ही मेक्स टी, दो सेंटेंस है। द सर्वेंट कुक्स फूड, सर्वेंट खाना पकाता है, ही मेक्स टी, वह चाय बनाता है या चाय पकाता है। आइदर और से हम जोड़ें तो सबसे पहले वही बात है, इसमें जो सब्जेक्ट हैं वो तो सेम है ही, सिर्फ यहाँ पर कुक्स फूड और मैक्स टी ये दोनों डिफरेंट हैं।
आइदर और से हम सेंटेंस को जोड़ेंगे जिसका अर्थ होता है या तो या। आइदर के साथ हमेशा और का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे टू के साथ टू का और शो के साथ दैट का होता है, नॉट ओनली के साथ बट का आल्सो का होता है, उसी प्रकार से आइदर और नाइदर नोर, ये कॉम्बिनेशन है, ध्यान रखना है आप लोगों को। कैसे जोड़े इसमें, ए समान चीज है कुक फूड और मैक्स पी, तो एक के आगे आइदर लगा दें, दूसरे के आगे और लगा दें, सीधी सी बात है, द सर्वेंट सर्वेंट आइदर आइदर कुक्स फूड और मैक्स पी। अगर इसी सेंटेंस को, चलो एक सेंटेंस और बता देता हूं आपको, पांचवें का ही दूसरा पार्ट है, पांचवें में ही पांचवें का ही बता रहा हूं, इजी थोड़ा सा इजी, सुनीता इज ए टीचर, हर हस्बैंड इज ए टीचर, सुनीता एक टीचर है, उसका पति एक टीचर है, हर हस्बैंड इज ए टीचर। आइदर और से जुड़ेंगे तो देखिए, सुनीता और हर हस्बैंड दो, अब की बार सब्जेक्ट डिफरेंट है, इसलिए हम सुनीता के आगे आइदर लगा देंगे, हर हस्बैंड के आगे और लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइदर सुनीता और हर हस्बैंड, हस्बैंड इज ए टीचर, क्लियर है बात। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हम नाइदर नोर का प्रयोग करते हैं, जैसे इसी सेंटेंस में मैं बता देता हूं, सुनीता इज नॉट ए टीचर, हस्बैंड इज नॉट ए टीचर। अब इसमें जहां नोट लगा है वहां नाइदर और दूसरे नोट में और नोर लगाना है, कैसे लिखेंगे, नाइदर सुनीता, सॉरी मैंने जो बात बताई है थोड़ी सी डिफरेंस बता दी मैंने, यहां पर जो नोट आया है नोट को हटा देना है, क्योंकि नोट की पूर्ति नाइदर और नोर से हो रही है, यहां पर हम नोट के स्थान, मैंने कहा था नोट के स्थान पे नाइदर लगा दो, नहीं वो दूसरी जब डिफरेंट होता है ना ऑब्जेक्ट, तब उसके बाद बात आती है, वो नाइदर सुनीता नोर हर हस्बैंड, सेम है सेंटेंस दोनों, हस्बैंड इज ए टीचर। इसमें कंफ्यूज होने वाला सेंटेंस ये होता है, जैसे देखिए, फार्मर वर्क्स इन मुकेश डज नॉट वर्क इन ए ऑफिस, ऑफिस ही डज नॉट वर्क इन ए फैक्ट्री, मुकेश एक ऑफिस में काम नहीं करता, मुकेश एक फैक्ट्री में काम नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में अगर हम नाइदर नोर से जुड़े हैं तो थोड़ा सा ध्यान में ध्यान से देखना है आपको, नोट के स्थान पर अपने को अब की बार वो लगाना है, मुकेश वर्क्स, हाँ ध्यान देंगे डज में जो ई एस जुड़ा हुआ है वो अब की बार वर्ब के साथ जोड़ देंगे, मुकेश वर्क्स नाइदर इन ए ऑफिस, इन ए ऑफिस नोर इन ए फैक्ट्री, कंप्लीट है नाइदर नोर। चलो येट आल्दो येट वाइल और एज विल, ये तीन और बताते हैं आपको, जल्दी से नोट करो, हाँ अगला देखें, आल्दो येट ये बता देता हूं आपको, आल्दो और येट का प्रयोग कब किया जाता है, जब दो कंट्रोवर्सी चीजें हों आपस में जिनका कोई संयोजन नहीं होता है, जिनका कोई मेल नहीं होता है, फिर भी दोनों चीजें जो है वो एक ही जगह पर समाहित हो, वो तब अपने को आल्दो रिएक्ट का प्रयोग करना है, जैसे सात नंबर कंजक्शन बता रहा हूं आपको, इस तरीके से क्या काम में लेना है,
प्रीति, इच, ए पुअर लेडी, शी इज ऑनेस्ट। प्रीति एक गरीब महिला है, शी इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। यानी कि इस तरीके के दो यहां पर कॉम्बिनेशन दिया है, दो वर्ड्स का, दो गुणों का, दो एडजेक्टिव का, यहां पर पुअर है, यहां पर ऑनेस्ट है, यहां दो कंट्रोवर्सी चीजें हैं। इसलिए हम यहां पर अगर आल दो येट से जुड़े तो आल दो का प्रयोग हमेशा याद रखना है, सेंटेंस की शुरुआत में करना है, और येट का प्रयोग दो सेंटेंसेस के बीच में करना है, चाहे दो येट हो चाहे आल दो येट हो। और अगर अकेला येट है, अगर अकेला येट दे दिया है तो मान करके चलिए निश्चित 99% उस येट का प्रयोग अपने को दो सेंटेंस के बीच में ही करना है। तो क्या लिखे हम, आल दो प्रीति इज ए पुअर लेडी, येट फिर भी शी इज ए ऑनेस्ट, फिर भी वह ईमानदार है। क्लियर है बात? एक सेंटेंस वाइल का। आई एम वर्किंग, माई वाइफ इज स्लीपिंग, माई वाइफ इज ए स्लीपिंग। जब दो कंट्रोवर्सी वर्क हो, अलग अलग व्यक्ति हो, जैसे यहां पर आई एम है और यहां पर माई वाइफ है, तब अपने को जब वाइल से जोड़ना हो तो दो सेंटेंस के बीच में करना है। और दो, वैसे भी यहां पर दो अलग भिन्न काम है, भिन्न बातें हैं। आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं, वाइल, जबकि माई वाइफ इज स्लीपिंग, मेरी पत्नी सो रही है, माई वाइफ इज स्लीपिंग। कंप्लीट है बात? एज विल एज वाले को देखिए, थोड़ा सा भिन्न आएगा इसमें। एज विल एज में याद रखना है आप लोगों को, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही अपने को वर्ब का प्रयोग करना है। किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। सेंटेंस है, यू आर ए स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। ध्यान देना है थोड़ा सा किस तरीके से इसमें डिफिकल्टी आती है। मैंने बताया कि एज वेल एज से जब सेंटेंस को संयोजित किया जाता है, कंजेक्ट किया जाता है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही अपने को वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे मैं यहां पर लिखूं, दो भिन्न चीज क्या है, यू और आई। यहां पर आर यू के लिए आया है, यहां पर एम आई के लिए आया है, दोनों के सब्जेक्ट भिन्न हैं, तो हम इसको लिखेंगे यू एज वेल एज आई ए स्टूडेंट। याद रखना है, अगर इस पूरे को मैं यहां पर एम नोट कर दूं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, एम इज ए रॉन्ग हियर, एंड द रियल वर्ब विल बी यूज हियर आर, क्योंकि आर का प्रयोग हमें प्रयोग करना है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यू के मुताबिक अपने को यहां पर वर्ब का प्रयोग करना है, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे यहां पे, आर का, न कि एम का। कंप्लीट है? चलो, हमारी क्लास लंबी होती जा रही है, इसलिए इस क्लास में हम इतना ही कुछ बता पाएंगे। सभी स्टूडेंट्स से, हमारे सभी पार्ट्स से, सभी लर्नर्स से ये आग्रह है कि आप अपनी सभी चीजें जो वीडियो में बताई जाती हैं, जो क्लास में बताई जाती हैं, वो अच्छे से अपनी डायरी में नोट करें और परीक्षा की तैयारी करें। अपना, अपने मम्मी पापा का मान बढ़ाएं, आपके टीचर का मान बढ़ाएं। अगर मेरी टीचिंग आपको अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना। धन्यवाद।